गुड मॉर्निंग लर्नर्स, आज हम BAED 102 के अंतर्गत काउंसलिंग, मीनिंग, नीड एंड टाइप्स का अध्ययन करेंगे। काउंसलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। काउंसलिंग इज एन इंटरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर। दिस इज अ टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। काउंसलिंग इज डेवलपमेंटल, प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक। काउंसलिंग इज अ लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस कैरीड ऑन सिंपल वन टू वन सोशल एनवायरमेंट इन विच द काउंसलर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट इन रेलेवेंस साइकोलॉजिकल स्किल्स एंड नॉलेज सीक्स टू असिस्ट द क्लाइंट बाई मेथड्स एप्रोप्रिएट टू द क्लाइंट्स नीड एंड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ टोटल पर्सनल प्रोग्राम टू लर्न हाउ टू पुट सच अंडरस्टैंडिंग into effect in relation to more clearly perceived, realistically defined goals to the end that the client may become a happier and more productive member of society. अर्थात हम कह सकते हैं कि परामर्शन एक प्रक्रिया है। परामर्शन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अनेक अनुक्रमिक गतिविधियां संपन्न होती हैं। परामर्शन एक तरह का सामंजस्य है। परामर्शन का स्वरूप विकासात्मक, निरोधात्मक और उपचारात्मक होता है। अब हम समझेंगे नीड ऑफ काउंसलिंग अर्थात काउंसलिंग की आवश्यकता। काउंसलिंग की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली आवश्यकता इसकी एज अ सपोर्ट होती है। सपोर्ट अर्थात अवलंब में क्लाइंट के लिए उनके संज्ञान, संवेग, अनुक्रिया प्रणाली, स्वसंरचना को अनकवर करने की तुलना में उनके वर्तमान आत्मबल और परिस्थितियों में व्याप्त चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्यों का समर्थन और प्रोत्साहन किया जाता है। दूसरा है साइको एजुकेशनल गाइडेंस, मनोशैक्षिक निर्देशन। मनोशैक्षिक निर्देशन लक्ष्यों को सामने रखकर परामर्शदाता व्यक्ति अर्थात क्लाइंट की अंतर्निहित समस्याओं को अनकवर किए बिना उसके संज्ञान, व्यवहार और अंतर्व्यक्तिक संबंधों की प्रणाली का उन्नयन अर्थात इन्हांसमेंट करके व्यक्ति के संपूर्ण विकास और जीवन दर्शन एवं एडजस्टमेंट की दृष्टि से उसे समृद्ध एवं परिपूर्ण करते हैं। तीसरा है डिसीजन मेकिंग। परामर्शन का एक मुख्य लक्ष्य परामर्शी को उपयुक्त निर्णय के विकास हेतु सहायता देना होता है। अगला बिंदु है एडजस्टमेंट, सामंजस्य। समायोजन की दिशा में परामर्शन और निर्देशन का योगदान मुख्यतः विकासात्मक होता है अर्थात समायोजन के लिए व्यक्ति की क्षमताओं और विशेषताओं का विकास किया जाता है जिससे कि वह भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना कर सके। नेक्स्ट इज क्राइसिस इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट। क्राइसिस की स्थिति में मनुष्य को मनोआघात का सामना करना पड़ता है। मनोआघात से बाहर आने के लिए उसे तत्काल सहयोग की आवश्यकता होती है और काउंसलिंग की प्रक्रिया यह सहयोग देने में अत्यंत उपयोगी होती है। अब हम समझेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्शन का पहला उद्देश्य
मानसिक स्वास्थ्य की का संवर्धन है। परामर्शदाता मानसिक स्वास्थ्य के सकारात्मक लक्ष्यों को सामने रखकर उपयुक्त लक्ष्य चयन, वस्तुनिष्ठ बोध, समस्या समाधान, समायोजन, परिवेश के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध करवाते हैं। यह परामर्शन का एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है इंप्रूविंग पर्सनल रिसोर्सफुलनेस, अर्थात व्यक्ति के संसाधन का संवर्धन करना परामर्शन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा है फैसिलिटेटिंग ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं का अधिकतम संभव विकास परामर्शन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, सभी लोगों की अंतर्निहित क्षमताएं पृथक प्रकार की होती हैं, अतः परामर्शन प्रक्रिया का उद्देश्य व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को उसकी क्षमताओं की सिद्धि की दिशा में सहायता देना है। Now we look at stages of counseling. The first step is awareness, the need for counseling and appointment with counselor. Second step is pre-counseling interview. Third is development of counseling relationship. Fourth is identifying specific goal of counseling. Fifth is development and implementation of program. Next step is evaluation, termination and follow-up. अब हम types of counseling की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखते हैं directive counseling। इसको निर्देशात्मक परामर्शन भी कहा जाता है। इसका बेसिक assumptions की है कि व्यक्ति को शिक्षित किया जाए तो वह विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को अर्जित कर सकता है और समस्याओं का समाधान कर सकता है। मनुष्य को अपने संपूर्ण विकास के लिए बाह्य सहयोग की आवश्यकता होती है। डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंतर्गत यह समझा जा सकता है कि परामर्शदाता द्वारा समस्याओं की व्याख्या किए जाने एवं समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने से व्यक्ति को समस्या समाधान में सहायता मिलती है। डायरेक्टिव काउंसलिंग में परामर्शदाता के पास प्रशिक्षण और अनुभव की अधिकता होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए विविध प्रकार के समाधान की आवश्यकता होती है। परामर्शी अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है, किंतु विफल हो जाने पर परिजनों, मित्रों एवं परामर्शदाताओं की सहायता चाहता है। परामर्शदाता व्यक्ति के लिए अत्यंत दक्ष शिक्षक के समान होता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को पुनर्शिक्षित करना होता है। इस शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की अपने आप के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में तथा परिस्थितियों के बारे में समझ का विकास करना होता है। दूसरा है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, अर्थात व्यक्ति केंद्रित उपागम। इसे क्लाइंट सेंटर्ड भी कहा जाता है। इसका बेसिक अजम्पशन यह है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य समस्त अनुभवों का केंद्रक होता है।
अनुभव के अंतर्गत वह सब कुछ आता है जो संभाव्य रूप में व्यक्ति के बोध में किसी समय उपलब्ध होता है। व्यक्ति की चेतना या बोध अनुभवों का प्रतीकीकरण होता है। जिन अनुभवों का प्रतीकीकरण नहीं हो पाता है उसे सबसेप्शन कहा जाता है। व्यक्ति के दृश्य प्रपंची क्षेत्र अर्थात फिनोमिनल फील्ड के एक पृथक भाग को स्व कहा जाता है। स्व के बारे में जानकारी को आत्मअनुभव कहते हैं। यह उपागम यह विश्वास करता है कि यदि परामर्शी और परामर्शदाता के मध्य शक्ति और नियंत्रण की भागीदारी का संबंध स्थापित हो तो व्यक्ति आत्मनिर्देशन की क्षमता अर्जित कर सकता है। और तीसरा है एक्लेक्टिक काउंसलिंग। मानव व्यवहार की समस्याओं की अनगिनत व्याख्याएं तर्कपूर्ण आधार पर संभव नहीं प्रतीत होती, किंतु कोई एक प्रतिरूप या उपागम पर्याप्त प्रभावी या पूर्ण रूपेण लाभकारी सिद्ध नहीं हो पाता। अतः अनेक उपागमों के महत्वपूर्ण आधारों और उनके द्वारा प्रयुक्त प्रविधियों जिनकी प्रभावोत्पादकता प्रदर्शित हो चुकी हो को एक प्रणाली में व्यवस्थित और समन्वित करने का प्रयास ही एक्लेक्टिक काउंसलिंग है। इसमें यह देखा जाता है कि समन्वय की प्रक्रिया में जो कोई भी उपागम विकसित होता है उसमें समन्वय के तत्व विद्यमान होते हैं। एक्लेक्टिक काउंसलिंग का उपयोग संज्ञानात्मक विश्लेषणात्मक उपचार अर्थात कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी, मल्टीमोडल थेरेपी, द स्किल्ड हेल्पर मॉडल एंड ट्रांस थ्योरेटिकल अप्रोच में किया जाता है। समन्वयवादी उपागमों की दूसरी की श्रेणी अपेक्षाकृत स्थायी होती है और यह देखा गया है कि यह एक काउंसलिंग की प्रभावी विधि है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।